हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं ये फ्रॉक बनाकर लाई हूँ और ये फ्रॉक देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाला है और ये बनाई है मैंने 1 से लेकर 2 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए। अब देखिए मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ कि कितनी है। यहाँ से इसकी चौड़ाई है चोली की 26 सेंटीमीटर, देखिए 26 सेंटीमीटर है इसकी, और ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी लेंथ है 42 सेंटीमीटर इसकी ये लंबाई है। ये इसका मेजरमेंट हो गया है। और देखिए इसके लिए वूल लेनी है 70 ग्राम लेनी है पिंक कलर और 150 ग्राम लेनी है ग्रीन कलर, तो टोटल इसमें 220 ग्राम वूल लेनी है। और ये बुना है मैंने 6 नंबर क्रोशिया हुक से 3.5 मिलीमीटर से। देखिए मैं फ्रॉक को बुनती हूँ, फ्रॉक को बुनना है। ये कैप भी बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए फ्रॉक को मैं बुनती हूँ। ये मैंने इस तरह से नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 70 चेन डालूंगी, 70 चेन डालना है, तो इस तरह से मैं चेन को डालूंगी। देखिए पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये 70 चेन डाल दी है, 70। देखिए इस तरह से चेन बनकर ये आ गई है। देखिए मैं बुनती हूँ ऊपर से। देखिए 1 2 3 4 4 चेन को छोड़कर 5th चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए ये मैं फ्रॉक का बैक पार्ट बना रही हूँ, तो बैक में डालने हैं 10 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया मैं बैक में डालूंगी। ये हो गए 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। देखिए बैक में मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 10 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसमें जाली डालूंगी, बी स्टिच डालना है 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये जाली डाल दी है बी स्टिच। अब देखिए मैं स्लीप्स में डालूंगी 13 डबल क्रोशिया, 13 डबल क्रोशिया मैं स्लीप्स में डालूंगी, तो ये हो गए 1 2। देखिए इसी तरह से मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए ये मैंने 13 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं स्लीव्स में। अब देखिए मैं जाली डालूंगी, दूसरी जाली डालूंगी 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये दूसरी जाली डाल दी है बी स्टिच। अब देखिए मैं फ्रॉक का फ्रंट पार्ट बनाऊंगी, तो उसमें डालूंगी मैं 20 डबल क्रोशिया, 20 डबल क्रोशिया डालने हैं फ्रंट पार्ट में, तो इसी तरह से मैं सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए देखिए इस तरह से मैंने ये 20 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं फ्रंट पार्ट में। अब देखिए मैं तीसरी जाली डालूंगी 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया।
देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरी जाली डाल दी है बी स्टिच। अब देखिए मैं 13 डबल क्रोशिया मैं स्लीव्स में डालूंगी, 13 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं डालूंगी डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 13 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 13 डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं चौथी जाली डालूंगी, फोर्थ जाली, वन चेन और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये चौथी जाली डाल दी है बी स्टिच। अब देखिए बैक पार्ट में डालूंगी मैं 10 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इसी तरह से मैं डालूंगी 10 डबल क्रोशिया। देखिए देखिए बैक में मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है, फर्स्ट रो। देखिए इसमें मैंने ये 4 जाली डाली हैं। फ्रॉक को आगे बढ़ाने के लिए चोली में मैंने ये 4 जाली डाली हैं, 1 2 3 4। और इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में बैक बनाया है और 2 पार्ट में स्लीव्स और 1 पार्ट में फ्रंट। इस तरह से ये चोली आएगी बनकर। अब देखिए मैं आगे को बुनती हूँ, आगे को बुनना है 1 2 2 चेन और डबल क्रोशिया इसी में ही डालना है। ये हो गए 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया डालना है। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, यहाँ तक मैं बुनूंगी डबल क्रोशिया। देखिए ये जाली आ गई है। अब इसमें मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूंगी, डबल क्रोशिया को बढ़ाऊंगी। तो इस तरह से बढ़ाना है 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए जाली के अंदर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब इसी तरह से डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए ये दूसरी जाली आ गई है, दूसरा बी स्टिच। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। इसी तरह से इंक्रीज करना है चारों जाली के अंदर। देखिए ये तीसरी जाली आ गई है, इस जाली के अंदर भी मैं 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से इस जाली के अंदर भी मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। डबल क्रोशिया बुनना है इसी तरह से सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए ये चौथी जाली आ गई है, इस जाली के अंदर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूंगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर इंक्रीज कर दिए हैं। अब यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी लास्ट तक। इसी तरह से बुनना है डबल क्रोशिया को। देखिए इस तरह से मैंने ये चारों जाली के अंदर डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। देखिए चारों जाली के अंदर मैंने डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, 2-2 डबल क्रोशिया मैंने ये इंक्रीज करे हैं, 8 डबल क्रोशिया को मैंने इंक्रीज कर दिया है।
अब देखिए आगे की रो मैं बुनती हूँ, इसकी आगे की रो बुनी है। वन टू, टू चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गया वन डबल क्रोशिया। इसी तरह से डबल क्रोशिया को बुनना है। देखिए फर्स्ट जाली आ गई है, अभी यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। वन डबल क्रोशिया, वन चेन और वन डबल क्रोशिया। तीसरी रो में भी मैंने ये डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, टू डबल क्रोशिया को। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरह से इंक्रीज करते हुए चोली को आगे को बुनना है। देखिए ये दूसरी जाली आ गई है बी स्टिच, यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। वन डबल क्रोशिया, वन चेन और वन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी मैंने डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, टू डबल क्रोशिया को, और नीचे भी मैंने किया था। अब इसी तरह से मैं डबल क्रोशिया को बुनूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए ये तीसरा भी स्टिच आ गया है, तीसरी जाली। अब इसके अंदर भी मैं टू डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूंगी, वन डबल क्रोशिया, वन चेन और वन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी मैंने टू डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। इसी तरह से इंक्रीज करते हुए बुनना है। अब देखिए ये चौथी जाली आ गई है बी स्टिच, अब यहाँ पर भी मैं टू डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, वन डबल क्रोशिया, वन चेन और वन डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर भी मैंने टू डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरी रो भी कंप्लीट कर दी है, और गला देखिए इस तरह से आ गया है फ्रॉक का, और ये नीचे को चोली आ रही है। और देखिए इसी तरह से मैं आगे को बुनूंगी, बढ़ाऊंगी चोली को, टू टू डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए फोर जगह आगे चोली को बढ़ाना है। तो देखिए मैं बढ़ाते हुए चोली को बुनती हूँ। देखिए इस तरह से चोली को अब मैंने ये इतना बड़ा बना लिया है, और इसमें मैंने ये टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक 12 रो बनाई हैं, 12 रो मैंने इसमें कंप्लीट करी हैं। और देखिए पूरी चोली में डबल क्रोशिया हो गए हैं 154 डबल क्रोशिया। कितने कितने हो गए हैं मैं बताती हूँ आपको। देखिए बैक में है 21 21, स्लीव्स में है 35 35, और फ्रंट में है 42। तो टोटल हो गए हैं ये 154 डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं आर्म होल की लेंथ बता देती हूँ कि आर्म होल की लेंथ कितनी है। ऊपर से लेकर नीचे तक आर्म होल की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है आर्म होल की। और देखिए चोली की चौड़ाई यहाँ से है, चोली की चौड़ाई है 23 सेंटीमीटर और रखनी है 25 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर और मैं इसमें इंक्रीज करूँगी, बढ़ाऊँगी डबल क्रोशिया को चोली में। तो देखिए अब मैं आर्म होल को जोड़ती हूँ, और यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी आर्म होल में। तो अब मैं बुनती हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी, डबल क्रोशिया बुनना है। वन टू, टू चेन डबल क्रोशिया इसी में ही डालने हैं। देखिए
देखिए डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए ये फर्स्ट जाली आ गई है, पहली जाली। अब इसके अंदर भी मैं डबल क्रोशिया डालूँगी, भी स्टिच के अंदर मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है। अब 1 2 3 3 चेन। अब देखिए मैं दूसरी जाली के अंदर भी डबल क्रोशिया डालूँगी भी स्टिच में। देखिए इस तरह से मैंने ये आर्म होल को जोड़ दिया है। देखिए जुड़ने के बाद ये इस तरह से आ गई है स्लीव्स। देखिए ये जोड़ दिया है मैंने 3 चेन डालकर। अब देखिए मैं सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए इस तरह से यहाँ तक मैं बुनूंगी सिंगल डबल क्रोशिया, तीसरी जाली तक। अब देखिए ये तीसरी जाली आ गई है बी स्टिच। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। 1 2 3 3 चेन। अब देखिए मैं चौथी जाली में, फोर्थ जाली में डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया को मैंने डाल दिया है देखिए, और ये आर्म होल इस तरह से बनकर आ गया है। देखिए इस तरह से ये आर्म होल आ गया है। अब डबल क्रोशिया में यहाँ तक बुनूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों आर्म होल को जोड़ दिया है। देखिए इस तरह से आर्म होल जुड़ने के बाद ये चोली आ गई है। देखिए अब इसमें मैं देखिए पूरी चोली में डबल क्रोशिया डालूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 2 चेन और डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया में डालूंगी। अब देखिए मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है, सिंगल डबल क्रोशिया। अब देखिए ये 3 चेन आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, 3 डबल क्रोशिया मैं डालूंगी। देखिए थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए देखिए इस तरह से ये आ गए हैं डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया बुनूंगी और दूसरे आर्म होल में भी मैं इसी तरह से डबल क्रोशिया डालूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया में डालूंगी। देखिए डबल क्रोशिया को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल दिया है। अब देखिए दूसरा आर्म होल आ गया है। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, 3 डबल क्रोशिया डालना है। कि इस तरह से ये आ गए हैं डबल क्रोशिया। अब डबल क्रोशिया मैं यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से अब मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है। आर्म होल के यहाँ पर मैंने ये 3 डबल क्रोशिया इधर इंक्रीज करे हैं, 3 इधर इंक्रीज करे हैं। टोटल इसमें मैंने ये 6 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है और चोली इस तरह से ये आ गई है। देखिए और चोली की चौड़ाई अब मैं बताती हूँ कितनी हो गई है इंक्रीज करने के बाद। 25 सेंटीमीटर ये हो गई है चोली इंक्रीज करने के बाद। देखिए 25 सेंटीमीटर और इतनी ही रखनी है 25 सेंटीमीटर चोली की चौड़ाई यहाँ से।
अगर आपको चोली की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर सकते हैं दोनों तरफ से। देखिए दोनों तरफ से बराबर डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है। अगर यहाँ से 4 डालने हैं तो इधर भी 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज करने हैं, इधर 5 करने हैं तो इधर भी 5 करने हैं, बराबर करने हैं। अब देखिए चोली को आगे को मैं बुनती हूँ और देखिए यहाँ से मैं बटन पट्टी और काज पट्टी को बुनूंगी पीछे से, बैक से बटन पट्टी और काज पट्टी को बुनना है। तो सबसे पहले मैं बटन पट्टी को बुनूंगी, बन चेन और इसमें ही डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 2 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से आ रहे हैं ये सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से पूरी रो में मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसकी दूसरी रो बुनती हूँ, वन चेन और सिंगल क्रोशिया, इसी में ही डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये दूसरी रो भी कंप्लीट कर दी है। पूरी बटन पट्टी में मैंने 29 सिंगल क्रोशिया डाले हैं। अब देखिए 2 रो और बनाऊंगी, टोटल इसमें 4 रो बनानी है, वन चेन और सिंगल क्रोशिया, 4 रो मैं इसमें कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से अब मैंने ये बटन पट्टी बना ली है, बुंदी है, और काज पट्टी भी मैं इसी तरह से बुनूंगी और इसमें मैंने टोटल ये 4 रो बनाई हैं। काज पट्टी भी मैं इसी तरह से बुनूंगी। बन चेन और सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरह से डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 29 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर मार्क लगा देती हूँ, मार्क लगाने हैं। देखिए इस तरह से काज बनाने के लिए मैंने ये मार्क लगा दिए हैं, यहाँ पर मैं काज बनाऊंगी। तो देखिए मैं बुनती हूँ, बन चेन और सिंगल क्रोशिया, बन चेन। अब देखिए ये मार्क आ गया है, अब इसको स्किप करना है मार्क को, जहाँ पर मैंने लगाया है चेन को, और नेक्स्ट चेन में डालना है, आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये काज बना दिया है। देखिए अब सिंगल क्रोशिया डालना है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखिए मार्क आ गया है, वन चेन। अब नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है, आगे वाली चेन में डालना है सिंगल क्रोशिया, ये हो गए 1, 2। देखिए ये मैंने काज बना दिया है दूसरा। देखिए 7 और 1 ये 8, 8 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन चेन। अब इसको स्किप करना है चेन को, और आगे वाली चेन में डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये काज बना दिया है तीसरा।
एट और एक ये नाइन, देखिए इस तरह से मैंने ये सेकेंड रो कंप्लीट कर दी है। दूसरी रो मैंने कंप्लीट कर दी है, अब इसकी मैं तीसरी रो बनाती हूँ। बन चेन और सिंगल क्रोशिया, ये काज आ गया है। अब यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी, वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने टू सिंगल क्रोशिया को डाल दिया है, काज ये बन गया है। देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी। अब देखिए दूसरा काज आ गया है, अब यहाँ पर भी मैं टू सिंगल क्रोशिया डालूंगी काज में। काज में टू सिंगल क्रोशिया डालना है, वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया। देखिए ये दूसरा काज मैंने बना दिया है, सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए ये तीसरा काज आ गया है, अभी यहाँ पर भी मैं टू सिंगल क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया और आगे सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये थ्री काज कंप्लीट कर दिए हैं, इस तरह से आए हैं ये बनकर। अब देखिए मैं इसकी अगली रो बनाती हूँ, लास्ट रो। बन चेन और सिंगल क्रोशिया ही डालना है पूरी रो में। देखिए इस तरह से मैंने ये काज पट्टी को कंप्लीट कर दिया है, फोर रो कंप्लीट कर दी है। इस तरह से बटन पट्टी और काज पट्टी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये आ गई है। यहाँ से मैं चोली को जोड़ूंगी। अब देखिए मैं चोली को जोड़ूंगी इस तरह से, देखिए ऊपर नीचे रखकर इसको इस तरह से जोड़ना है, क्रोशिया से ही जोड़ना है। देखिए वन टू, टू चेन और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया डालते हुए जोड़ना है। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से चोली को मैंने जोड़ दिया है। डबल क्रोशिया डालते हुए जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया है। डबल क्रोशिया डालना है, सिंगल डबल क्रोशिया। चोली जुड़ गई है। देखिए इस तरह से अब मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। अब यहां पर मैं ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से ज्वाइन मैंने कर दिया है। इस तरह से पीछे से मैंने ये काज पट्टी और बटन पट्टी को ज्वाइन कर दिया है।
जुड़ गई है बटन पट्टी और काज पट्टी। देखिए अब देखिए इसमें मैं डिजाइन डालती हूँ, डिजाइन को डालना है। वन टू थ्री फोर, फोर चेन और वन चेन को स्किप करना है और आगे वाली चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से वन चेन लेना है और नीचे से वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन कर दिया है मैंने, देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। बन चेन और डबल क्रोशिया डाले हैं। अब देखिए आगे को मैं डिजाइन डालती हूँ। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना, इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है। वन टू थ्री फोर, फोर चेन और ट्रिपल क्रोशिया डालना है। ये हो गए टू थ्री फोर फाइव दो बार धागे को लपेटना है क्रोशिया पर और बुनना है, और ये सिक्स सिक्स ट्रिपल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। देखिए वन चेन और देखिए नेक्स्ट चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, फिर वन चेन और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में यहाँ पर डालना है सिक्स ट्रिपल क्रोशिया, दो बार धागे को लपेटना है क्रोशिया पर और बुनना है। वन टू और एक ये थ्री, थ्री बार बुनना है, दो बार लपेटना है और थ्री टाइम बुनना है इस तरह से। टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, देखिए सिक्स ट्रिपल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। वन चेन और नेक्स्ट चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया ले ली है, वन चेन और फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी नेक्स्ट चेन में। फोर सिक्स, देखिए इस तरह से रो को मैं कंप्लीट करूंगी, कंप्लीट करना है। सिक्स ट्रिपल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब वन चेन, अभी यहां पर सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से, वन चेन, अब यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। वन टू थ्री, थ्री चेन, देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। ट्रिपल क्रोशिया डाले हैं पूरी रो में मैंने, देखिए सिंगल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया। डिजाइन को आगे को मैं बढ़ाती हूँ, बुनती हूँ।
इस तरह से मैंने ये फोर चेन डाल दी है। अब देखिए ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी मैं, ट्रिपल क्रोशिया डालना है, बैक से बुनना है, बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, देखिए बैक से बुनना है, बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, देखिए इस तरह से मैंने ये बैक से बुन दिया है ट्रिपल क्रोशिया को। वन टू, टू चेन और फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया बुनूंगी, थ्री बैक से बुनना है, देखिए इस तरह से मैंने ये बैक से बुन दिया है ट्रिपल क्रोशिया इधर और ट्रिपल क्रोशिया इधर, इसी तरह से मैं बुनूंगी, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बुनना है, टू और ये थ्री, थ्री ट्रिपल क्रोशिया, टू चेन और थ्री ट्रिपल क्रोशिया बैक से बुनना है, बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, देखिए इस तरह से ये आ रहे हैं। इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है। अभी यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है, देखिए रो बनकर ये आ गई है। इस तरह से देखिए सिक्स ट्रिपल क्रोशिया डाले हैं, बैक पोस्ट बैक से डाले हैं, अब आगे की रो में बुनती हूँ इसकी। वन चेन, अभी यहाँ पे डालना है सिक्स ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर डाले हैं वैसे मैं यहाँ पर डालूंगी, ट्रिपल क्रोशिया डालना है सिक्स, और ये सिक्स, सिक्स मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं। वन चेन, अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूंगी इस तरह से, फिर वन चेन, अभी यहाँ पर भी डालने हैं ट्रिपल क्रोशिया, सिक्स ट्रिपल क्रोशिया मैं डालूंगी, सिक्स, वन चेन, यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूंगी इस तरह से, वन चेन और फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी यहाँ पर सिक्स, सिक्स ट्रिपल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी, इसी तरह से कंप्लीट करना है, सिक्स सिक्स ट्रिपल क्रोशिया डालते हुए और सिंगल क्रोशिया जैसे मैंने यहाँ पे डाला, ये डिज़ाइन रिपीट हो रहा है। वन चेन और यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूंगी, इस तरह से ज्वाइन मैंने कर दिया है देखिए, और ये रो बनकर इस तरह से आ गई है देखिए, सिक्स ट्रिपल क्रोशिया डाले हैं पूरी रो में, सिक्स सिक्स, देखिए अब देखिए इसकी आगे की रो में बुनती हूँ, आगे की रो बुननी है, सिंगल क्रोशिया डालना है यहाँ पर, वन चेन, अभी यहाँ पर मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव
और ये सिक्स, देखिए सिक्स ट्रिपल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं बंचेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है, वन टू, टू चेन लेते हुए धागे को मैं कट कर देती हूँ नीचे से। अब मैंने ये फ्रॉक कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये फ्रॉक बनकर आ गई है, नीचे से मैंने ये पिंक कलर लगाया है। इस तरह से ये स्लीव्स भी मैंने बुन ली है, देखिए इसमें भी यही डिजाइन डाला है मैंने, पिंक कलर से बनाई है देखिए, और नीचे से भी बनाई है। अब देखिए मैं दूसरी स्लीव्स को बुनती हूँ, बनाती हूँ। वन टू थ्री और एक ये फोर, देखिए ये मैंने फोर चेन डाल दी है। अब डबल क्रोशिया डालूंगी यहाँ पर मैं, देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया को डाल दिया है, वन चेन और यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से, वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया, वन चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, यहाँ पर ज्वाइन करना है, स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से। देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है और इसमें मैंने ये 22 डबल क्रोशिया डाले हैं, 22 डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ, डिज़ाइन को डालना है वन चेन और यहाँ पे डालूँगी मैं ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिक्स ट्रिपल क्रोशिया डालना है, फाइव और ये सिक्स, सिक्स ट्रिपल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं, वन चेन। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, फिर वन चेन, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर डालना है ट्रिपल क्रोशिया, सिक्स ट्रिपल क्रोशिया को डालना है और एक ये सिक्स, देखिए इस तरह से आ रहा है ये डिज़ाइन, वन चेन। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, वन चेन और नेक्स्ट चेन में फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूँगी सिक्स, इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। सिक्स ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं ये मैंने, वन चेन। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है, देखिए सिक्स ट्रिपल क्रोशिया डाले हैं मैंने, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इसकी मैं आगे की रो बुनती हूँ, स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से, वन टू थ्री फोर, फोर चेन, बैक पोस्ट, ट्रिपल क्रोशिया। फिर टू चेन और फिर से मैं बैक पोस्ट, ट्रिपल क्रोशिया।
देखिए 6 मैंने ये देखिए बैक से डाल दिए हैं मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया 6। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है 6 ट्रिपल क्रोशिया डालते हुए। ट्रिपल क्रोशिया ही डाले हैं मैंने इसमें ये देखिए इस तरह से रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ट्रिपल क्रोशिया डाले हैं मैंने इसमें पूरी रो में देखिए 6 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है देखिए जुड़ गया है ये 1 चेन। अब यहाँ पर मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी 6 ट्रिपल क्रोशिया डालना है। लास्ट रो मैं इसकी बना रही हूँ 6 ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं 1 चेन। अब यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी इस तरह से फिर 1 चेन और फिर से मैं यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया डालूँगी 6। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। सिक्स ट्रिपल क्रोशिया 1 चेन यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है 1 चेन। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं 1 चेन। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से ज्वाइन कर दिया है 1 और एक ये 2 चेन लेते हुए धागे को मैं कट कर देती हूँ। ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है ये लास्ट रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब स्लीव्स का बॉर्डर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है दोनों बॉर्डर मैंने ये कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए इस तरह से ये आए हैं दोनों। अब देखिए मैं गले में सिंगल क्रोशिया डालूँगी यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं यहाँ से करना है स्टार्ट और बुनना है। सिंगल क्रोशिया ही डालना इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया ही डालना है। देखिए इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं 1 2 चेन लेते हुए धागे को मैं कट कर देती हूँ। ये बैक में भी डाल दिए हैं मैंने और ये फ्रंट में भी। देखिए गले में इस तरह से आए हैं ये सिंगल क्रोशिया। देखिए मैं यहाँ पर फ्लावर लगाऊंगी और डोरी डालनी है यहाँ पर डोरी डालनी है तो देखिए मैं डोरी को बुनती हूँ। डोरी को बुनना है फिर मैं फ्लावर लगाऊंगी यहाँ पर। देखिए अब मैं डोरी को बुनती हूँ इस तरह से नोट बांधनी है ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद चेन बुननी है इस तरह से चेन को बुनना है। देखिए इस तरह से देखिए पूरी डोरी इसी तरह से बनानी है बुननी है। देखिए इस तरह से डोरी मैंने ये बना ली है। इस तरह से मैंने ये डोरी अब कंप्लीट कर दी है। अब देखिए इसमें लगाने के लिए मैं पॉम्पॉम बनाऊंगी पॉम्पॉम बनाने हैं।
देखिए इस तरह से मैंने ये पोम-पोम बना लिया है, दोनों पोम-पोम मैंने ये कंप्लीट कर दिए हैं और ये फ्लावर भी मैंने बना दिया है। देखिए ये फ्लावर भी मैंने बना दिया है। पिंक वाला फ्लावर मैं लगाऊंगी फ्रॉक में, ग्रीन वाला नहीं लगाऊंगी। तो देखिए मैं अब फ्रॉक में डोरी डालूंगी, पॉम पॉम लगाऊंगी और फ्लावर लगाना है। बटन भी पीछे लगाने हैं। तो पहले मैं डोरी डाल देती हूँ। इस तरह से डोरी को मैं डालूंगी। इस तरह से अब मैंने ये डोरी डाल दी है। अब इसमें मैं पॉम पॉम बांध देती हूँ। पॉम पॉम बांधने हैं। दोनों पॉम पॉम बंद गए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर फ्लावर लगा देती हूँ। फ्लावर लगाने हैं तो मैं फ्लावर को लगाती हूँ। इस तरह से मैंने ये फ्लावर भी इसमें लगा दिया है। अब देखिए मैं पीछे से बटन लगाऊंगी। बटन लगाने हैं तो देखिए मैं बटन को लगाती हूँ। इस तरह से मैंने ये पहला बटन लगा दिया है। इस तरह से ये आएगा बटन और दोनों बटन भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। इसी तरह से लगाने हैं। फ्रॉक में तीनों बटन लगा दिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें डोरी भी बांध दी है, फ्लावर भी लगा दिया है और बटन भी मैंने इसमें ये लगा दिए हैं।
अब ये फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।